Hello friends, in this video we are going to discuss about comparison operators. Okay, so आपके स्क्रीन के सामने इतने सारे comparison operator जो हैं अवेलेबल हैं, जिनका यूज हम अभी कोडिंग के थ्रू करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सारे जितने भी comparison operator हैं उनका यूज क्या है. तो कंट्रोल शिफ्ट आई हिट करेंगे ताकि हमारे पास एक डेवलपर कंसोल जो है ओपन हो जाए. तो सबसे पहला आता है डबल इक्वल. ओके, इसका मतलब ये है कि हम चेक करते हैं दो वैल्यू को. सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर 4 इक्वल है 4 के. ओके, यदि ये इक्वल है तो हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाए, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डबल इक्वल 4. ओके, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, यदि हम इस तरीके से लिखेंगे, एक ही बार इक्वल देते हैं, तो ये इस तरीके से ये हमें एरर बता रहा है. अब ये एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि जो इक्वल का साइन होता है, सिंपल सिंगल इक्वल का जो साइन होता है, वो साइन होता है असाइन करने के लिए, किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए, किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए. जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स नाम का, एंड मैं चाहता हूँ कि एक्स में कोई वैल्यू मैं स्टोर करूँ, तो एक्स इक्वल टू 5. अब ये हमारा जो कंडीशन है ये सही हुआ. इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं हम, यानी कि 4 में हम 4 को स्टोर कर रहे हैं, जो कि कोई मतलब ही नहीं बनता है. ये सिंटेक्स एरर बता देगा. ओके, तो बेसिकली जो सिंगल इक्वल होता है ये स्टोर, जैसे कि हम बचपन में मैथ में बना देते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू समथिंग, तो एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती थी. सिमिलरली यहाँ पे भी है. यहाँ पे यदि हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं, इसका मतलब है कि एक्स में हमने 2 को स्टोर किया है. ओके, अब एक्स के साथ में और यदि हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यू इक्वल है. सपोज मैं यहाँ पे एक्स का जो मैं दे दूँ, यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू दे दिया, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऊपर मैंने वेरिएबल बना दिया है एक्स, एक और वेरिएबल बना लेते हैं वाई, एंड मैं वाई में भी 2 स्टोर कर देता हूँ. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में 2 है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. अब चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स, अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं एक्स में सिंगल सिर्फ सिंगल इक्वल का यूज करूँगा वाई, तो अब क्या होगा कि जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू हो जाएगी. यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2, अर्थात जो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई. अब एक्स का वैल्यू 2 ही नहीं रहेगा, अब एक्स में, चलिए मैं वाई की वैल्यू पहले यहाँ पे मैनिपुलेट कर दूँ, अब वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 कर दी. ओके, एंड अगर मैं एक्स की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैंने एक्स की जो वैल्यू है अपडेट कर दिया. अब मैं एक्स की वैल्यू कुछ और यहाँ पे दे सकता हूँ, तो कुछ और की जगह मैं यहाँ पे वाई दूंगा, तो बेसिकली वाई का मतलब क्या हो गया 3. तो अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. चेक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्स की वैल्यू 3 होगी. बाय द वे, आई होप कि ये समझ में आया होगा कि सिंगल इक्वल किस लिए यूज होता है. अब डबल इक्वल की बात करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू. अब ये क्या चेक करता है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं. तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, एक्स 2 बार इक्वल का साइन वाई. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, चूँकि यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 3 कर दी थी, तो एक्स की वैल्यू भी 3 है एंड वाई की भी वैल्यू 3 है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है. एक हम इसमें फॉल्स का एग्जांपल देख लेते हैं. तो सिंपली मैं डायरेक्ट नंबर ही दे देता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हैं, तो 4 डबल इक्वल टू 5. आप यहाँ पर देख सकते हो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है. ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल इक्वल टू. अब ये क्या करता है कि ये इक्वल वैल्यू को चेक करता है एंड इक्वल टाइप को. टाइप का मतलब डेटा टाइप. मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है. जैसे कि ये नंबर डेटा टाइप है, चलिए मैं ये एक बुलियन डेटा टाइप है फॉल्स, ये इस तरीके से हम लिखते हैं, ये नंबर, इसका डेटा टाइप नंबर हो गया. आप यहाँ से डेटा टाइप चेस टाइप ऑफ करके एक मेथड होता है टाइप ऑफ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका ये डेटा टाइप बता देगा कि 5 जो है किस तरीके का डेटा है, ये नंबर है. यहाँ पे यदि मैं बुलियन वैल्यू देता हूँ तो ये बता देगा कि बुलियन है.
यदि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ तो ये स्ट्रिंग बता देगा, अभी बता दिया कि स्ट्रिंग है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं ट्रिपल इक्वल टू से। ओके, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ फोर डबल इक्वल टू फोर। ओके, ये ट्रू बता रहा है, इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पे, यदि मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ तब भी ये ट्रू बता रहा है, चूँकि ये ट्रू नहीं है। प्रोग्रामिंग में ये दोनों अलग अलग कंसीडर करते हैं, नंबर और स्ट्रिंग को, जो डबल कोट्स के अंदर होता है स्ट्रिंग होता है। तो इस तरीके की अगर गड़बड़ी ना हो, इस तरीके का अगर कोई सिंटेक्स आपके पास आता है तो इस तरीके के सिंटेक्स को भी हम चेक कर सकते हैं, वो होता है हमारा ट्रिपल इक्वल टू साइन से। ये क्या करता है कि वैल्यू को भी चेक करेगा, यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ वैल्यू चेक किया इसने, वैल्यू दोनों में फोर है सो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ट्रिपल इक्वल टू करने पर ये डेटा टाइप भी चेक करेगा। अब यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो फोर है उसका डेटा टाइप नंबर है एंड ये जो फोर है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, तो आप देख सकते हो कि अब ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, चूँकि वैल्यू तो दोनों की सेम है, दोनों में फोर है बट दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल, फोर एंड यहाँ पे नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क जो वन पे साइन होता है उसको शिफ्ट, नॉट इक्वल टू फाइव, ट्रू है, फोर जो है फाइव के इक्वल नहीं है, यहाँ पे फोर देंगे, इस तरीके से आएगा। ओके, सिमिलर एग्जांपल इससे पहले जैसे मैंने दिखाया था कि डेटा टाइप भी चेक करता है, तो इसमें हम अगर नॉट यूज करेंगे तो बस हमें डबल दो बार ही यदि हम इक्वल का साइन देंगे तो ये हमारे डेटा टाइप भी चेक कर लेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। ओके, अगर हम इसको डेटा टाइप यहाँ पे नहीं देते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, फोर डज नॉट इक्वल टू फोर, फोर जो है फोर के इक्वल नहीं है। यदि मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ तो भी क्या है, तब भी ये फॉल्स है क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे मैं यदि फाइव दे दूँ ये भी सही है, क्योंकि ये हमेशा नॉट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम नॉट भी बोलते हैं। ओके, यहाँ से ये हमारा डेटा टाइप भी चेक कर लेगा, डबल इक्वल टू डालेंगे तो अभी हमारा डेटा टाइप भी चेक कर रहा है कि क्या इसका जो डेटा टाइप है फोर एंड इसका जो डेटा टाइप दोनों इक्वल है। मैं इसको भी क्या करता हूँ, डेटा जो स्ट्रिंग में इसको डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको थ्री डाल देता हूँ, थ्री डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, फॉल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि थ्री हम क्या कर रहे हैं कि थ्री इक्वल नहीं है थ्री के। मैं यहाँ पे टू डाल देता हूँ, अभी ट्रू बता रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट थ्री डाल देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जबकि हमने क्या लिखा है कि थ्री जो है थ्री के इक्वल है बट यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि नहीं थ्री थ्री के इक्वल नहीं है। अब ये नहीं क्यों बता रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक नंबर और एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया है, अब आते हैं ग्रेटर देन लेस देन। ओके, तो सिंपली यहाँ पर मैं फोर दे देता हूँ ग्रेटर देन फाइव, बिल्कुल गलत है क्योंकि चार जो है चार से बड़ा नहीं होता है, मैं फाइव यहाँ दे देता हूँ, ये भी फॉल्स है। मैं यहाँ पे थ्री दूंगा तब ये ट्रू हो जाएगा। ओके, सिमिलरली होता है लेस देन साइन में, फाइव लेस देन नाइन्टी ट्रू है, पाँच जो है नब्बे से छोटा है। अगर मैं सेवन लेस देन कर दूँ टेन, फोर कर देते हैं सिक्स, चलिए फोर कर देते, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है ट्रू हो गया। हम यहाँ पर लिख क्या रहे हैं कि सेवन जो है छोटा है चार से, बट ये हमारा हम जानते हैं कि सात जो है चार से बड़ा होता है नहीं कि छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न किया है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो है फोर ग्रेटर देन फोर, अब ये फॉल्स की बड़ा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि चार जो है चार से बड़ा है, हम इसमें यह नहीं लिख रहे हैं कि चार चार के इक्वल है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि चार चार से बड़ा है, बट क्या है चार जो है चार के इक्वल है, इक्वल चार से बड़ा नहीं है। तो इस चीज़ को हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके साथ में इक्वल का भी साइन देना होता है। अब ये हमारा कंडीशन क्या बनेगा कि चार जो है या तो चार के इक्वल है या फिर इससे बड़ा है, अभी हमारा कंडीशन ट्रू हो गया।
सिमिलरली लेस देन के साथ में भी होता है। यहाँ पे भी मैं इक्वल का साइन दे दूँ तो बी एफ फॉल्स बता रहा है, चूँकि सेवन जो है चार से छोटा नहीं है। बट यहाँ पे यदि मैं सेवन दूंगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इसको ट्रू रिटर्न किया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो सेम नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।